कांग्रेस का तिरंगा पटका कन्हैया कुमार जी को पहनाकर उनका औपचारिक स्वागत कांग्रेस पार्टी में करें। सर एक सेकेंड, लेट मी अनाउंस दैट ऑल्सो। बंसल साहब और कन्हैया जी का स्वागत करेंगे। और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे साथी नितिन राउत जी से और उनके साथ साथ भक्ताचरण दास जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, बंसल साहब से कि वो जिग्नेश मेवानी जी का भी औपचारिक तौर से हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए स्वागत करें। भैया बहुत शुक्रिया। और ठीक है, बिल्कुल आई एम हैप्पी विद इट। वी विल आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे युवा साथी कन्हैया कुमार जी से कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। कन्हैया जी, सबसे पहले इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जगह की कमी के चलते कमरे में आ नहीं पाए हैं लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिड़कियों से, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और मंच पर उपस्थित AICC ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी वेणु जी, जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी, SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन नितिन राउत जी, बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी, बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर पवन बंसल जी, हमारे युवा साथी और गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई हार्दिक पटेल जी, और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घड़ी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बडगाम से निर्दलीय विधायक साथी जिग्नेश मेवानी जी, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने पत्रकार साथियों से कुछ चीज़ों को लेकर मुखातिब हूं, उससे पहले आज ये एक ऐतिहासिक दिन है, आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। लोग शहीद होते हैं, भगत सिंह शहीद आजम हैं। शहीद आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यार्पण करने के लिए गए थे, शहीद पार्क, वो शहीद पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है, वो हिस्सा है फिरोज शाह कोटला फोर्ट का, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में
क्रांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे। नौजवान तरुण भगत सिंह एक प्रपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए। यह ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक भूमि और हमारे युवाओं के आइकन शहीद आजम भगत सिंह को हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। आज एक दुखद घटना भी हमारे ज़िले में हुई है, वज्रपात के चलते दो बच्चियों का निधन हो गया है। मैं इस मंच से उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज़्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है, तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन आप सवाल कहाँ से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा अंदेशा है मुझे, थोड़ा अंदाज़ा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की हैं, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है, वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूँ लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा, लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे, लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है, आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है, और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस संविधान के प्रियम्बन में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसमें समानता न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है, लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंबेडकर, नेहरू, अशफाकुल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमज़ोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई शास्त्र कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुनागणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पर समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। इसीलिए, और मैं जब यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे इतिहास को, मेरे वर्तमान को लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वो आएंगे, उनका जवाब मैं दूंगा, लेकिन यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बढ़ा, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उसने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लड़ने का जज्बा दिया है। लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम लोगों के ऊपर अनावश्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लड़ रहे थे, अपने घरों में डिनर टेबल पर लड़ रहे थे, लोगों की दोस्तियाँ टूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोगों के डिवोर्स तक हो गए। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों नौजवान आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह कहता हूँ, दीवाल पर बैठ कर टुकुर टुकुर मुँह ताकने का वक्त नहीं है, ये अर्जेंसी का टाइम है। और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवार पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं, आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी
तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, आज़ादी के साथ अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लड़ना फिरना संघर्ष करने में हमारे साथी रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे। और ये परिवार संघ परिवार नहीं, वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे। आप जितने बड़े लोग हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। वो परिवार छोड़ करके बनने वाला परिवार नहीं। न्याय बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ। सभी सदस्यों के प्रति देश के अंदर फैले हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं अब जिग्नेश भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे। जिग्नेश जी आ जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो केसी वेणुगोपाल साहब, सुरजेवाला जी, नितिन राउत साहब, पवल बंसल जी, भक्तचरण दास जी, साथ ही हार्दिक कन्हैया और दूसरे पार्टी के मंच पर विराजमान सभी सीनियर लीडर्स, आप तमाम पत्रकार साथी और वो तमाम साथी जो हमको आज मिलने के लिए हमारे समर्थन में आए हैं गुजरात के विभिन्न कोनों से और पूरे देश भर में से, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संविधान पर हमला है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उतना जहर नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला रहे हैं। इस परिस्थिति में एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं, बतौर एक भारतीय नागरिक मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन MLA। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है। मैं इस मुहिम, इस मिशन और इस संघर्ष के साथ हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी की फॉर्मेलिटी तो आने वाले महीनों में भी हो जाएगी। और राहुल जी ने भी कहा कि वो जो पर्चा भर के सदस्य लेने की बात है वो तो कल भी कर लेना, अभी अपने मतक्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहो। तो मैं फॉर्मली नहीं हूं लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं और 22 का चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ूंगा, उनके सारे कैंपेन्स का हिस्सा रहूंगा और गुजरात के संदर्भ में
आज साथी हार्दिक हमारे बीच में मौजूद है, तब कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है वो सब कुछ हम लोग गुजरात में देख चुके हैं, झेल चुके हैं। आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में बड़ी चिंता के साथ ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है कि 3000 किलो का ड्रग्स 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए अदानी के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। आज जब महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, तब गुजरात और देश की बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये फांसीवादी ताकतें चाहती है कि रोजगार तो ना मिले, उनको नशे के हवाले में झोंक दिया जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में यदि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, भगत सिंह को जब मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पूछा गया कि क्रांति क्या है, तब शहीद आजम ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आते हैं तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है ना, नई पार्लियामेंट का, वो देखने के लिए जाते हैं, किसान को मिलने के लिए नहीं जाते। तो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, सबके ऊपर एक जो अनप्रेसिडेंटेड हमला है, इसको रोकने के लिए मैं भारत की जनता को, भारत के 21 करोड़ दलितों को और सारे लाखों करोड़ों युवाओं को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, अभी वक्त नहीं है, कूद पड़िए, एक नया आंदोलन छिड़ने वाला है। स्वतंत्रता के आंदोलन की जो रौनक थी, वो जो चार्म था, वो जो माहौल था, हमको वो रिक्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर तमाम वो लोग जो सचमुच मानते कि देश को बचाना है, उन सभी को हम अपील करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, ये एक मिशन है और इसको मिशन की तरह लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि साथी कन्हैया ने बचाया, कि डेमोक्रेसी के हमारे इस मुल्क में बहुत डीप रूट्स है, पार्टी के भी डीप रूट्स है, तो साथ में मिलकर हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इस मुल्क को बचा पाएंगे। आप तमाम साथियों का मैं दोबारा स्वागत करता हूं और दोबारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश की जनता को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ तुरंत जुड़िए, एक बहुत जबरदस्त माहौल हम लोगों को खड़ा करना चाहिए। मैं साथी हार्दिक, कन्हैया और दूसरे यंगस्टर्स के साथ पूरे देश में हम लोग जाएंगे और हजारों लाखों युवा इस प्लेटफॉर्म में जुड़े, INC के साथ जुड़े, कांग्रेस पक्ष के साथ जुड़े, इसके लिए लग जाएंगे। आप तमाम साथियों का शुक्रिया। अभी आप एक मेरे मित्र ने कुछ बात कही थी, मैंने सोचा मेरी तो मानते नहीं, शायद छोटे की मान लें। ऑल राइट, देन वी विल गो टू समबडी हु, यस मैम, वील बिगिन विद यू। मैडम जी, बुरा मत मानिएगा, लगता है कि सवाल आप पहले ही सोच लिए थे। मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस खतरे में है, हमने कहा देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आपने वो वीडियो देखा क्या, लाश के ऊपर डांस देखा ना, दिल पसीज गया होगा आपका। आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ भी कर जाऊँ जो मैं कर सकती हूँ? आप जब सुनती होंगी कि बलात्कार हो गया किसी महिला के साथ, आपका गुस्से से जो है ना पूरा शरीर कांप जाता होगा। देश खतरे में है, पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या? हर शाम पार्टी होती है इस देश में। पार्टी नहीं बचाना है, देश बचाना है, और देश बचाने की मुहिम में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी भी बचेगी। और मुझे इस बात को कहने में कोई दोराई नहीं है, मैंने जितना इतिहास पढ़ा है अभी तक का NCERT में जो लिखा हुआ है, अब अगले बार 2024 में क्या लिखा जाएगा नहीं पता, उसमें तो यही है कि देश को आज़ादी जो है वो महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्या भाई हार्दिक, इन लोगों ने ही दिलाया ना, यही लोग लड़े थे। जो माफ़ी मांगे वो बीड़ हो गए, आप सोचिएगा इसको। जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जा करके गांधी के ऊपर। हमारे गाँव में गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा, कितना अजीब लगता होगा आपको, देखिएगा वो फोटो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं, जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे
कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं. सी आई एम नॉट हियर टू सेव द पार्टी, प्लीज आई एम रिस्पेक्टिंग यू एज ए सिटीजन, यू कैन रिस्पेक्ट माई राइट. देश खतरे में है और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे. समझ रहे हैं अंग्रेजी का वो फ्रेज है, डांसिंग ऑन डेड, डेड बॉडी पे कोई नाच रहा है. उस दिन खाना तो नहीं खाया गया. आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए. मेरे गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो पूरे गांव में खाना नहीं बनेगा. हजारों लोग मर गए. देखे 71 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के लिए सोहर गाया गया. नया बच्चा जब पैदा होता है ना तो पूर्वांचल में सोहर गाते हैं लोग. प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए सोहर गाया जा रहा है. तब जब अभी तुरंत लाखों लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे. आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसके कोई जानने वाले नहीं मरे हों इसमें, इस क्राइसिस में? इतना बड़ा क्राइसिस जिसके देश में हुआ हो, अभी तुरंत वो अपने जन्मदिन का जश्न मनाएगा? ये भोंडापन है. इस संस्कृति को बचाने की जरूरत है और इस संस्कृति को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में क्षमता मौजूद है. लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, हकीकत यह है कि पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है. इसीलिए इस पार्टी को यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए मैं यहां आया हूं. थैंक यू न्यूज नेशन. आई विल कम टू यू. जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है? आपका ऊपर को, आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं. आपका कोई आरोप है? आप सवाल पूछिए. साहब जो साथी पीछे खड़े हैं, थोड़ा आप शांति का दान दीजिए प्लीज. अरे भैया प्लीज, दुबे जी आप पूछिए प्लीज, आस्क योर क्वेश्चन क्विकली. Yeah, please, you cannot interrupt. No, no, you have to have discipline. My humble request with folded hands. There is no, but yes, yes, I am not Prime Minister. I will take your question. No, no, don't worry. Democracy means that you should not supersede somebody who is asking question. That's what democracy is. Dubey bhai, Dubey bhai, aapka sawal hai, News Nation se hai. Achha, bari bari. Jaldi se puchhiye na. Nahi, nahi, nahi. Aur logon ne kiya hai. Naam batayenge. देखिए मैं यही कह रहा हूँ, मेरे हमारे देश के लोगों के पॉलिटिकल इमेजिनेशन को कुछ हो गया है. अभी क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हमने अपनी, आपके सवाल को अपने आप लेते हुए हमने अपने पूरे वक्तव्य को रखा. हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना रहे हैं? बीसीसीआई थोड़ी है सर, मतलब टीम बना रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि भारत की परंपरा, चिंतन परंपरा, सोच जिस पे आपको गर्व होता है भारतीय होने के चलते, उस परंपरा को समेटने का, उसको आगे बढ़ाने का काम देश की सबसे पुरानी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया है. उस पार्टी के पास एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है और इस नागरिक, इस देश का नागरिक होने के चलते, साथी जिग्नेश ने कहा, यह हमारी भी ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमसे भी पूछा जाएगा, दुबे भाई आपसे भी पूछा जाएगा कि जब ये तमाशा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे. हमने वो कहानी सुनी है बचपन में, आपने भी सुना होगा. जंगल में आग लगी, एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी. जंगल की आग नहीं बुझी, या बुझनी होगी बुझ जाएगी. कम से कम कोयल का वह ऐतिहासिक प्रयास जो है वो इतिहास याद रखेगा. और ये जो आप कह रहे हैं ना डूबती हुई नाव, देखिए कभी कभी ना इंसान को भ्रम होता है. जैसे टिड्डे को भ्रम होता है कि वो अपने पांव से आसमान टिका रखा है, हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है. मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा. जब आप जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे इस देश के संविधान में, आइडिया ऑफ इंडिया में भरोसा करने वाले लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं
भगत सिंह के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत, श्री कृष्ण सिंह के सपनों का भारत, जगजीवन राम के सपनों का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत, उस भारत को बचाने की बात मैं कर रहा हूँ। और सियासत, मैं बार बार कहता हूँ, अगर सियासत सही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काबिज हैं ना, मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है। अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी, लेकिन जब आ गए ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गए ना, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पेंशन ले रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, वो आज NCERT की किताब बदल रहे हैं कि अपना नाम भी हम वीरों में लिखवा लें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस इतिहास को, उस चिंतन परंपरा को बचाने की ज़रूरत है। पार्टी अगर उस सिद्धांत पे चलेगी, संविधान के प्रीएम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसे मेरी आशा है। जैनेंद्र फ्रॉम ABP, कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क। हाँ पूछिए जरा। एक सवाल पूछिए। हम एक आग्रह करें, आप लोग ना लड़ाई नहीं लगवाइए हमारे दोस्त के बीच में। भोरे से जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या जो चला दिए हैं, और लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है। तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। यस जैनेंद्र जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। बड़ा जैनेंद्र भाई, बड़ा वैचारिक सवाल पूछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र भाई। एक तो देखिए, हमारी जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं। इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव में नहीं, JNU के प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोले थे। देखिए, हमको हमारा इतिहास पता है और हम यही कहते हैं, इतिहास का को तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास इतिहास होता है। इतिहास कोई कागज़ पर लिखे हुए शब्द होते हैं क्या? आप उसको जो है इरेजर से मिटा दीजिएगा। केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोले थे। आपने पूछा कि कब इसको आपको ऐसा महसूस हुआ। देखिए, महसूस तो मुझे राजनीति में आए हुए 18 साल हो गए हैं, और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं इस देश की जो राजनीतिक विरासत है वो भटक गई है। भूल भुलैया नहीं होता है, राइट लेफ्ट सेंटर घूमने लगा है, और पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग कहाँ है, उसके थ्रेड्स कहाँ पे हैं। तो मैं जैनेंद्र भाई, आपने वैचारिक सवाल पूछा है, एक ऐतिहासिक तथ्य आपसे साझा करता हूँ। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था कल तक। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बना, और उस इतिहास जाकर के देख लीजिएगा, उसका जो इनॉग्रल सेशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसमें भाषण हुआ था, और उस वक्त देश के जितने भी नौजवान थे, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है हमारे कुछ साथियों को, लेकिन अपने विद्यार्थी के होने के ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए थे, बाद में निकाल दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो छात्रों का संघर्ष हो रहा था, सभी विचारधारा के लोग उसके सदस्य थे। और आपने जो वैचारिक सवाल पूछा कि आपको लेफ्ट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, कौन कह रहा है कि लेफ्ट का भविष्य खराब हो गया है? व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, उस भूमिका को वो अपनी क्षमता से निभाने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं, जहां
जिस पार्टी से आप मेरा संबंध जोड़ रहे हैं, मैं वहां पैदा हुआ हूं। मेरे भीतर सोचने, समझने, लड़ने की जो क्षमता है, यह उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन वहां जो लड़ने का तरीका है और जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, मुझे लगता है आज जो देश की स्थिति है उसमें उसके स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है और जो वैचारिक संकीर्णता है उसको तोड़ने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपने कई साथियों से पूछा कि क्या भगत सिंह की जयंती देश के सभी संगठनों को नहीं मनाना चाहिए और क्या गांधी की तस्वीर सभी संगठनों के कार्यालय में नहीं होना चाहिए। यह हमारा इतिहास है, यह हमारी विरासत है। कुछ लोग बहुत चालाकी से विचारधारा की खोल में यह जो हमारी ऐतिहासिक विरासत और परंपरा है इसको आपस में उलझाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा पॉपुलर डिबेट है मीडियम और मींस का, साध और साधन का, हिंसा और अहिंसा का। तो मैं आपके सामने इस सदन के समक्ष यह बात कहता हूं, जब भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं ला सकता है, मतलब भगत सिंह हिंसा का निषेध कर रहे हैं, वायलेंस को निगेट कर रहे हैं। और जब बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो, मतलब वो व्यक्ति के ऊपर होने वाली हिंसा को स्वीकार कर रहे हैं और अहिंसा को निगेट कर रहे हैं। देश की अर्जेंसी क्या है इस बात को समझिए। और देश की अर्जेंसी यह है कि आप पैदा कहीं भी हुए हों, अगर गांव में आग लगी है, आप अपने दरवाजे के बाहर डंडा लेकर के गेटकीपर बनकर के खड़ा हो जाएंगे कि घुसने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, तो आपका घर भी नहीं बचेगा, बेडरूम भी नहीं बचेगा। इसलिए समझदारी इस बात में है कि आपसी जो नाराजगी है, आपसी जो वैचारिक मतभेद है, उसको किनारा कीजिए और बस्ती बचाने के लिए इकट्ठा होइए, क्योंकि ये देश हम सबका है। इसीलिए लेफ्ट राइट का जो क्वेश्चन है ना, वो अप्रासंगिक इसलिए हो गया है कि आज आपको वैसे आदमी के साथ सामना करना पड़ रहा है जो हमारे जमाने का गोविंदा है, ड्रेस बदलते रहता है। इसीलिए इस वैचारिक भ्रम में नहीं पड़िए, देश बचाइए, संविधान बचाइए, यही हमारा लक्ष्य है। सिद्धार्थ फ्रॉम ANI, सिद्धार्थ प्लीज गो अहेड एंड आस्क। सिद्धार्थ सवाल पूछिए प्लीज। जिग्नेश जी जवाब देंगे। विपक्ष का चेहरा तो मीडिया भी होना चाहिए, विपक्ष का चेहरा वो तमाम लोग होना चाहिए जो आइडिया ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पीरियड पीरियड। थैंक यू। आई विल हैव टू सी, इट्स बीन ओवर एन आवर, बहुत सारे साथी अलग अलग दोनों से बात करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, थैंक यू सो मच। हम बाद में आके हम सदन लीजिए, वन टू वन करेंगे। हम फ्लाइट पर सुनिए ना भैया, कन्हैया जी, एक सवाल कन्हैया जी।